तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो एक ब्रांड न्यू एमुलेटर बताने वाला हूँ, जिसको मैं जो है आप अपने लो एंड पीसी में जो इंस्टॉल करके इसमें फ्री फायर गेम को जो है प्ले करने वाला हूँ। बेसिकली ये जो एमुलेटर है, ये जो है ब्लू स्टैक का एक लाइट वर्जन है। ये जो ब्लू स्टैक का एक 4.2 वाला वर्जन है, जिसको आप जो अपने लो एंड पीसी में इजिली इंस्टॉल करके इसमें फ्री फायर गेम को प्ले कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमुलेटर को कैसे सेटअप करना है एंड इसमें फ्री फायर गेम को कैसे प्ले करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस एमुलेटर का लिंक दे दूंगा, आप जो वहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर लेना। नाउ डाउनलोड कर लेने के बाद अब आप क्या करना है कि ये जो यहाँ पर एक जिप फाइल होगी, तो आप जो इसे अनजिप कर लेना। तो आप इस पर राइट क्लिक करना एंड यहाँ से इसे एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना। एंड एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर जो ये गोल्ड प्रीमियम नाम से एक फोल्डर आ जाएगा, तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको इसको ओपन करना है। नाउ उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लू स्टैक इंस्टॉलर नाम का एक जिप फाइल मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि आपको इस पर डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर जो है आपके सामने कुछ स्पीकर का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो अब आप क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर एक कस्टमाइज इंस्टॉलेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करना। एंड यहाँ पर आपको फाइल लोकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा कि ये जो कहाँ पर इंस्टॉल होगा। एंड अगर आप इसे और किसी फाइल लोकेशन में इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आप जो यहाँ पर फोल्डर पर क्लिक करके यहाँ से फाइल लोकेशन चेंज कर सकते हो। नाउ फाइल लोकेशन सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर जो है एमुलेटर इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो अब आप यहाँ पर 1 से 2 मिनट वेट कर लेना, यहाँ पर जो है एमुलेटर इंस्टॉल हो रहा है। देन एमुलेटर इंस्टॉल हो जाने के बाद अब आप क्या करना है कि यहाँ पर जो है डेस्कटॉप पर इसका ये ब्लू स्टैक नाम से एक शॉर्टकट आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके यहाँ से जो है एमुलेटर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर जो है एमुलेटर लॉन्च हो जाएगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एमुलेटर ओपन हो चुका है एंड कुछ इस प्रकार से हमें जो है यहाँ पर एमुलेटर का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो अभी आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पर एमुलेटर की सेटिंग कैसे रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करके सेटिंग को ओपन कर लेना। देन उसके बाद सीपीयू कोर में अगर आपके पीसी में 2 कोर है, तो आप यहाँ पर 1 कोर सेलेक्ट कर लेना। एंड रैम में आपको सिंपली यहाँ पर 2 GB रैम को सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद ग्राफिक्स इंजन में इसे परफॉर्मेंस पर रहने देना एंड ग्राफिक्स रेंडरिंग मोड में आपको इसे ओपन जीएल पर रहने देना है। एंड अगर आपके पीसी में कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो आप यहाँ पर डेक्सटॉप को सेलेक्ट कर सकते हो। एंड जीपीयू सेटिंग में अगर आपके पीसी में कोई भी एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो आप जो इसको टिक कर सकते हो। एंड ASTC टेक्सचर बीटा को आपको डिसेबल रहने देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको फ्रेम रेट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर इनेबल हाई फ्रेम रेट पर क्लिक करके यहाँ से जो 500 FPS तक को इनेबल कर सकते हो। एंड उसके बाद आप क्या करना कि यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना और यहाँ से एमुलेटर को रिस्टार्ट नाउ कर लेना। तो यहाँ पर जो है इंजन वाली सारी सेटिंग अप्लाई हो जाएंगी। एंड एमुलेटर रिस्टार्ट हो जाने के बाद अब आप क्या करना कि आप यहाँ पर डिस्प्ले वाले ऑप्शन में आ जाना एंड यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिलेगा, तो आप जो यहाँ पर कोई भी एक रेजोल्यूशन रख सकते हो। देन DPI में आपको यहाँ पर 240 DPI रख लेना है। देन उसके बाद आपको डिवाइस में आना है एंड यहाँ पर आपको जो ASUS ROG 2 डिवाइस को सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर जो है सारी सेटिंग अप्लाई हो जाएंगी। तो अब हमारा यहाँ पर सेटिंग हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर फ्री फायर गेम को इंस्टॉल कर लेना है। तो इसमें फ्री फायर गेम को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर प्ले स्टोर का ऑप्शन मिल जाता है। आप जो यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करके यहाँ से फ्री फायर या फिर फ्री फायर मैक्स गेम को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास फ्री फायर गेम की APK फाइल पड़ी हुई है, तो आप जो इसमें APK फाइल को भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो मेरे पास APK फाइल पड़ी हुई है, तो चलिए फिर मैं जो यहाँ पर APK फाइल को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो APK फाइल को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर A3 का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना। एंड यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल APK का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड जहाँ पर भी आपने फ्री फायर गेम की APK फाइल को डाउनलोड कर रखी है, आपको सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है एंड ओपन पर क्लिक कर देना है। इस वाली APK फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा फ्री फायर गेम इंस्टॉल हो चुका है, तो अब आपको सिंपली क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर क्रोम ब्राउजर पर जाना है। तो अब आपको क्या करना है कि अगर आपका फ्री फायर का अकाउंट फेसबुक से बना हुआ है, तो आप जो यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना एंड उसके बाद आप यहाँ पर सर्च करना फेसबुक लॉगिन। देन उसके बाद आप जो यहाँ पर फेसबुक लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ से जो आप अपनी फेसबुक आईडी को लॉगिन कर लेना। देन फेसबुक आईडी को लॉगिन कर लेने के बाद अब आप क्या करना है कि आप जो यहाँ पर फ्री फायर गेम को ओपन कर लेना, तो आपकी आईडी जो है यहाँ पर फेसबुक से ओपन हो जाएगी। तो जैसे आप यहाँ पर गेम को ओपन करोगे, तो यहाँ पर जो है 10 से 15 सेकंड लगेगा यहाँ पर गेम को ओपन होने में। तो आपको यहाँ पर वेट करना है, यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर जो है गोटिट का ऑप्शन आ चुका है, आपको इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर जो है गेम ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है फ्री फायर गेम ओपन हो चुका है। तो चलिए फिर अब
जब तक यहाँ पर ये फ्री फायर गेम ओपन हो रहा है तब तक अगर आप वीडियो में नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्री फायर गेम को ओपन कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको इसकी सेटिंग वगैरह कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो यहाँ पर इसकी की मैपिंग कर लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक की मैपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर ओपन एडवांस एडिटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर जो की मैपिंग ओपन हो जाएंगी। एंड उसके बाद अब आप क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो ये स्मार्ट पर होगा तो आप सिंपली इसे स्टैंडर्ड पर सेलेक्ट कर लेना तो यहाँ पर जो है की मैपिंग ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। एंड अब आप यहाँ पर जैसे मर्जी अपने हिसाब से की मैपिंग रखना चाहते हो आप यहाँ पर रख लीजिएगा। एंड की मैपिंग कर लेने के बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना तो यहाँ पर जो है की मैपिंग सेव हो जाएंगी। एंड अब आप यहाँ पर इजीली गेम को प्ले कर सकते हो, यहाँ पर गेम में जो लैग वगैरह नहीं आएगा। एंड उसके बाद क्या करना है कि अगर आप 4GB रैम में इसमें जो फ्री फायर गेम को प्ले कर रहे हो तो आप जो यहाँ पर स्मूथ और नॉर्मल पर गेम को प्ले करना तो यहाँ पर गेम जो एकदम स्मूथली चलेगा। तो चलिए फिर दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब अगर आपको फ्री बीच से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप जो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।